So finally, we have combined graduate level examination 2017 CGL 2017 जिसका सभी को इंतज़ार था वो नोटिफाइड हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। SSC की तरफ से कोई सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है तो SSC CGL का ही माना जाता है, और 2017 का नोटिफिकेशन आना था जो अब नोटिफाइड हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है SSC की तरफ से। मोटा मोटा सब कुछ यहाँ पे देखेंगे और आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रैक SSC CGL 2017 उसका वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो मैंने कर रखा है। SSC CGL आप कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन मैंने किया हुआ है, स्टेप टू स्टेप। बुक्स कौन सी आपके लिए बेस्ट होंगी SSC CGL के लिए उसका वीडियो कर रखा है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन से वहाँ से क्लिक करके ये दो वीडियो आप देख सकते हैं। हाउ टू क्रैक SSC CGL 2017 पूरी स्ट्रेटजी पूरा डिस्कशन मैंने किया है, वो आप देख लेना। और बुक्स आपके लिए कौन कौन से ज़रूरी हों वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, नोटिफिकेशन में पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो देखने वाली हैं वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप 16 मई से लेके 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है। CBE एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये क्लियर कर दिया गया है और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थे जनवरी फरवरी मार्च में कि SSC कंबाइन कर रहा है सबका एग्ज़ाम, शायद पैटर्न चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन से क्लियर कर दिया गया है। जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ डिस्कस ज़रूर करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। जो प्री 75 मिनट का था वो अब 60 मिनट का कर दिया गया है। कुछ पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन जो था, एज लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्टेप टू स्टेप चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम प्री जो आपका हो रहा है यहाँ से देखते हैं। प्रीलिम्स जो होगा आपका, जिसको आप Tier 1 कहते हो, Tier 1 वो 1 से 20 अगस्त के बीच में होगा, जो ये चीज़ नोटिफाइड कर रही है। मेंस जिसको आप Tier 2 कहते हो वो उसकी डेट यहाँ पे जो दी है वो 10 से लेके 11 नवंबर तक है। मेन जो होता है वो सेकंड डे होता है। स्टैटिकल और AAO का जो एग्ज़ाम होगा वो मेरे ख्याल से वो 10 को होगा, और जो मेन CGL का जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग, वो 11 नवंबर को जाएंगे। Tier 3 डिस्क्रिप्टिव जिसे हम कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर कहें या Tier 3 कह लें, वो है 21/1/2018, अगले साल। ठीक है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, ठीक है। और चौथी चीज़ टाइपिंग, जिसको हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं, टाइपिंग टेस्ट, जो सिर्फ TA पोस्ट के लिए होता है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए होता है, वो फरवरी में रखा गया है 2018 में। ठीक है, ये हाइलाइट्स हैं जो मेन आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स जो होगा 1 से 20 अगस्त के बीच में होगा, तकरीबन 20 दिन ये रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। मेंस का जो है वो नवंबर में है, मतलब सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपको मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए। मोर देन इनफ है, मेंस की तैयारी के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि अगस्त में हो रहा है। अगर मई में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त, तकरीबन 2.5 महीने इधर और 2 महीने उधर, 5 महीने हैं पूरा आपको CGL को प्रिपेयर करने हैं। प्री में ज़्यादा आपको हैक्टिक नहीं होना है। कैसे क्या करना है उसका वीडियो आप नीचे देख लो, मैंने कर रखा है पूरा, डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रखा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कहीं ना कहीं अब ज़रूरी हो गया है, इंटरव्यू नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए जिस जहाँ पे अब डिस्क्रिप्टिव पेपर इंक्लूड किया गया है इंटरव्यू को हटा के। ठीक है, ये मोटी मोटी आप डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। 16 मई से 16 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए पोस्ट पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। अमूमन में एज लिमिट जो बढ़ी है कहीं कहीं, वो मैं दिखाने को चल रहा हूँ। AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर,
ये सबसे बड़ी पे बैंड की है, मतलब सबसे ज़्यादा जो 48 पे ग्रेड की है, ये दो पोस्टें हैं, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है वो हम आगे भी क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में ज़रूर देखेंगे। फिलहाल दे यहाँ आते हैं 30 ईयर, 30 ईयर्स जो है लिमिट है एज की, और एज़ पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन तो उसके बारे में सब जानते हैं, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। चलिए बी लेवल की जो है, बी ग्रेड की जो उसमें काफ़ी पोस्टें हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दो है, मतलब एक सेक्रेटरीट है और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आप जाएंगे। 46 की पे ग्रेड है, जो एज लिमिट है वो 20 to 30 है, ठीक है 20 to 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवेज में अगर जा रहे हैं आप तो उसकी भी एज लिमिट 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री में जा रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर में, उसकी भी 30 है। सेक्शन ऑफिसर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं तो उसकी भी 30 है। यहाँ से 30 ईयर जो एज है वो एज लिमिट 30 कर दी गई है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो 27 ही है पहले की तरह। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 30 है, ये अलग अलग है दोनों। सेक्शन ऑफिसर अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गए, ये अलग अलग हैं, सारी अलग अलग हैं, कहीं पे 30 है और कहीं 27 है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, उसके हिसाब से आपको किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। असिस्टेंट ये पूरी यहाँ से देखिएगा, ये 27 है, ये 27 है, बाकी असिस्टेंट दो जो है वो देखिए करना क्या है आपको, अगर आपकी एज 28 है तो आप एच और आई, आई थिंक ये आई है, आई है ठीक है, ये पोस्ट दोनों नहीं दे सकते, इन दो पोस्टों से आप आउट हैं, क्योंकि 30 जो एज लिमिट है वो इसकी और इसकी है। ये सिंबल आपको वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस में मिल जाएगा, वहाँ आप दीजिएगा एच और आई पोस्ट के लिए, एच और आई पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपकी एज 28 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो है इधर वाले, ये जो है ये हैं, ये कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स आपको कहाँ काम आएंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो प्रेफरेंस अगर आप 28 ईयर के हो या उससे कम हो तो उससे 28 ईयर के हो और 27 अगर एज लिमिट है तो आप वहाँ फिलअप नहीं कर सकते ये पोस्ट एच आई, ठीक है, जो जो 27 ईयर की मांगी, जहाँ 30 30 है वो आपके लिए है एंड जे ये आपके लिए है। इसलिए मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस में देते समय आपको ये सब ध्यान रखना होगा। पोस्ट प्रेफरेंस का भी मैंने एक वीडियो कर रखा है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज 27 है, अगर आप 28 के हो तो इसके पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, एल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, जी हाँ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, एन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो क्योंकि इसमें अप टू 30 मांगी है। तो एज लिमिट ज़रूर देखें, एज लिमिट अगर आप अंडर आते हैं तो ही फिलअप करें। एज का क्राइटेरिया क्या है अभी हम और डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको दिखाएंगे। सब इंस्पेक्टर की 20 से 30 तक है। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, जी हाँ, फिर 18 से 27 है। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए 30 साल तक है, इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 है। सब इंस्पेक्टर नेशनल इमिग्रेशन NIM, देखिए कहीं कहीं पोस्टों में यहाँ फिजिकल भी है, फिजिकली भी आपको फिट होना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इस सब आगे हम डिस्कस करेंगे एक करके। फिलहाल अब मैं यहाँ एज लिमिट दिखा रहा हूँ, आपकी 30 होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सी लेवल ग्रेड की सिर्फ एक ही है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिसकी 32 तक है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हम आगे डिस्कस करेंगे। डी लेवल की बात कर लें तो ऑडिटर आता है, और इन सब के लिए डी में नॉट मोर देन 27 अगर आप हैं तो नहीं भर सकते। तो डी लेवल की जो ग्रेड की पोस्ट है उस सब की एज लिमिट 27 ही रखी गई है, 27 है, आप देख सकते हो 30 नहीं किया गया है, तो इन सब पोस्टों से आप आउट हो। अगर आप 27 से कम हो तो, या 27 27 से कम हो तो भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल जो मिलता है SC ST और
फिजिकली हैंडीकैप के लिए, वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी पोस्ट हैं, कहाँ से कितना क्वालिफिकेशन आप चाहिए, क्या चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट मुझे दिखानी थी, प्लीज़ एज लिमिट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए ऑडिटर जो ए ग्रेड वाली पोस्ट थी, उन दोनों के लिए आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है, और डिज़ायरेबल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कंप्यूटर सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज मास्टर, तो बहुत अच्छा है, ये डिज़ायरेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और इसी से क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही मांगा गया है। जूनियर स्टैटिकल के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में बैचलर डिग्री है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसमें देखेंगे तो 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड, अदरवाइज़ ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिकल में, ठीक है। स्टैटिकल एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एट अ डिग्री, अब डिग्री जब आपने डिग्री अपनी की होगी, जब ग्रेजुएशन किया होगा, तो स्टैटिकल वन ऑफ द सब्जेक्ट उसमें होना ज़रूरी है अगर 12th में आपके 60% नहीं है मैथमेटिक्स में। किसी और पोस्टों के लिए सब में सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अपेयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना है कि 1 अगस्त के पहले पहले वो क्वालिफाई हो, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होना चाहिए। द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जाम, द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। हाउ एवर दे मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1st अगस्त, ठीक है। पहले अगस्त के पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके मतलब आई मीन पास आपके पास होना चाहिए, आप पास हो चुके हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं, सब में ग्रेजुएट ही मांगा है। जूनियर स्टैटिकल में आपको 12th में पास होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन किया हो तो स्टैटिकल वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर डिग्री है सबके लिए, और एसेंशियल मांगा है, डिज़ायरेबल, सॉरी एसेंशियल नहीं मांगा है, डिज़ायरेबल मांगा है, चार्टर्ड अकाउंट और अकाउंट कंपनी या मास्टर हो बिजनेस में, किसके, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, क्योंकि इसकी इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे जो आपको एग्ज़ाम देना है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ये जो है ये सब पूछा जाता है, इसलिए वो डिज़ायरेबल ज़्यादा रिफ़र करते हैं, ठीक है। भर आप भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको ये सब एग्ज़ाम से होके गुजरना होगा। अगर स्टैटिकल का आप भरते हो, स्टैटिकल का एग्ज़ाम होता है अलग से, वो आपको देना होगा। आप कैसे दोगे, आपको पता होना चाहिए, या तो आप पढ़ो, ठीक है। चलो चलिए, जो मैं एज लिमिट की बात कर रहा था वो देख लेते हैं। अगर आप 27 कैसे एलिजिबल हैं, 2-8-90 से लेके 1-8-1997 के बीच में है, तो 27 वाली एज में आप एलिजिबल हैं, ठीक है, समझ रहे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलें, जिनकी पोस्ट की लिमिट 18 से 27 दी है, उसकी एज लिमिट क्या है, 1-8-1-8-90 से लेके 1-8-1999 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये दायरा है, इसके बीच में आप अपने आते हो, बर्थ ऑफ बर्थ है तो फिल फॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप ओवर एज हो रहे हो या अंडर एज हो रहे हो। चलिए, जिसमें 20 से 30 साल के एज लिमिट दी हुई थी जिस पोस्टों के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, 2-8-87 से पहले नहीं और 1-8-97 के बाद नहीं, इसके बीच दरमियान आप आते हो, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। पोस्ट जिसमें अप टू 30 ईयर लिखा हुआ है, उसमें क्राइटेरिया जो है वो है 2-8-87 से लेके 1-8-1999 के बीच में आते हो तो आप इस फिल को इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। जो अप टू 32 ईयर दिया है, उसमें 2-8-85 से लेके 1-8-1999 के बीच में आते हो तो एज ले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। ये दायरा खींचा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं 27 का वाले एरिया में आता हूँ कि नहीं आता हूँ, क्या मैं ओवर एज हो रहा हूँ या अंडर एज हो रहा हूँ, तो ये लिमिट है, ये लिमिट है, अब देख लें, ये लिमिट है, ये लिमिट है, इस पर देख लें, जो डेट दी गई है वो भी कंसिडर की जा रही है, ऑन या ऑन जो शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन एंड नॉट लेटर देन दिस, 2-8-1990 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और
1897 के बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये पूरा आपको क्लियर कर देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, फीस की बात कर लें। और इसमें 100 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद ध्यान देने वाली है, वुमेन्स कैंडिडेट या गर्ल्स कैंडिडेट कह लें फ्री है, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, वुमेन्स कैटेगरी के लिए फ्री है, कोई पेमेंट उनको नहीं करना है, ठीक है। किसी पेमेंट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है, ठीक है। एससी एसटी के लिए फ्री होता ही है, फिजिकली हैंडीकैप एक्साइटमेंट के लिए फ्री है ये, लेकिन वुमेन्स के लिए भी फ्री है। गर्ल्स आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म के लिए फ्री हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हमारे पास क्या है। चलिए एक ज़रूरी चीज़, क्योंकि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, ठीक है। नोटिफिकेशन तो हर कोई बताएगा, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। नोटिफिकेशन आप पढ़ लोगे, उसमें नोटिफिकेशन कुछ भी नया नहीं है। जो जो चीज़ें ध्यान देनी है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड को आपको ध्यान रखना है, अपनी कट काठी जो कहते हैं ना, फिजिकली आप चैलेंज नहीं होने चाहिए फिजिकली कहीं कहीं किस पोस्ट में। देखिए सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBI, ठीक है। इसमें फिजिकली आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, चेस्ट 81 होना चाहिए, ठीक है। और जो गरवालीस हैं, आसमी हैं, गोरखास हैं, इनके लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, ठीक है। फिजिकली टेस्ट होगा आपका, वॉकिंग जो करना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में आपको वॉक करना होगा, साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर 30 मिनट। ये फिजिकल टेस्ट भी आपको होके गुजरना पड़ेगा, जहाँ फीमेल्स के लिए सिर्फ इन पोस्टों के लिए है, इन पोस्टों की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर के लिए, इन पोस्टों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और पोस्टों के लिए नहीं। इनमें ये चीज़ें आपको यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। अगर फीमेल्स की बात कर लें तो 152 मिनिमम होना चाहिए, वेट 48 के आसपास होना चाहिए। इस रिलैक्सेशन है असमी गोरखास और इनके लिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 22.5 गर्ल्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट आपको दौड़ना होगा, साइकिलिंग करनी होगी 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है। ये फिजिकली स्टैंडर्ड रखा गया किन पोस्टों के लिए, एग्जामिनर एक्साइज के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए, ठीक है, और पोस्ट के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए कुछ पोस्ट और जहां वहां आपको ध्यान रखना है, CBI के लिए, CBI में सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट जो है 165 के आसपास होनी चाहिए, वुमेन्स की 150 होनी चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा हिमालयन स्टेबल, मतलब जो हमने बात की है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, चेस्ट 76 होना चाहिए, विजन जो हो 6x6 का होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पेंगे, एक पोस्ट और है जहाँ आपको फिजिकली आपको चैलेंज किया जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपको 170 हाइट मांगा है, वुमेन्स के लिए 150 मांगा है, हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा नॉर्थ ईस्ट वालों के, चेस्ट 76 मांगा है और ग्लासेस नहीं हो, अगर आपकी हाइट भी मैच नहीं करती तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशन की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ मैं नोटिफिकेशन में, और कुछ इसमें खास कुछ बताने को है नहीं। मैंने पहले डेट बता दिया फॉर्म भरिए, और तैयारी कैसे करनी है वो हम आगे, उसका वीडियो मैंने कर रखा है नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कुछ ऐसे, जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, 4 स्टेप में एग्जाम होगा। पहला जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है, दूसरा मेंस होगा, तीसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, चौथा कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। इसमें कुछ भी नया बताने को नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है प्रीलिम्स, क्या है मेंस, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है नो इंटरव्यू, देयर विल बी अ नो इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू कोई कहीं इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कैसे है प्रीलिम्स, ये देखिए होगा प्रीलिम्स, और यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलने वाली है नहीं, वो है ये 60 सेकेंड। पिछली बार आपको दिया गया था 75 मिनट, इस बार आपको 75 मिनट की जगह पे सिर्फ 60 मिनट दिया जाएगा। एक घंटा, क्वेश्चन वही है, कितने 100, कितने मार्क्स के 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है।
सबसे नई चीज़ यही है, प्रीलिम्स में आप जाओगे, ठीक है, जहाँ आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स, कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स, कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई, अगर मैं कहता हूँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 तो कितनी हुई, 0.5, ठीक है। चले आगे, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होता है, लोग पूछते हैं सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं रखी जाती है, आपको किस में पास होना है, टोटल में कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ये बैंक का एग्ज़ाम, ये बैंक का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है, इसको सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे नहीं रखी जाती है, ठीक है, टोटल कट ऑफ आपको पास करना होगा, इसको पास करोगे आप आओगे 2 में। पहला एग्ज़ाम सबके लिए होगा, किसी भी पोस्ट लिए भर रहे हो आप, कहीं भी भर रहे हो, सबके लिए, लेकिन दूसरे में टीयर 2 जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है, कैसे, जो स्टैटिकल के लिए भरते हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 200 मार्क्स के, 160 मिनट, फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है वो 160 मिनट है, ठीक है, बाकी आपको तो 2 ही घंटा मिलने वाला है। अभी हम ऊपर आते हैं, फिलहाल जनरल स्टडीज फाइनेंस इकोनॉमिक के लिए जो पेपर जाएगा ऑडिट वाला, ए ओ वाला, जो ए ग्रेड वाले एग्ज़ाम थे वो उनका अलग से होगा, ये एग्ज़ाम खासतौर से सैटरडे को होता है, मतलब 10 नवंबर को होगा, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, 11 नवंबर को क्या होगा, 11 नवंबर को ये पेपर होगा, ये दो, ठीक है। आप सारी पोस्टें के लिए फिल कर सकते हो, अगर इन दोनों पोस्टों को फिल करते हो तो आपको सैटरडे को बुलाया जाएगा, अगर आप इसके लिए फिल करते हो तो आपको संडे को फिर जाना पड़ेगा, अगर आप इसके लिए फिल नहीं करते तो आपको सिर्फ संडे को जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जनरल स्टडीज़ फाइनेंस इकोनॉमिक आएगा, मैंने कहा था ना आप ग्रेजुएट ज़रूर हो, लेकिन फाइनेंस इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाएगी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है, कितने, 2 घंटे का इंटरवल होगा। चलिए, मेन एग्ज़ाम जो होता है टीयर 2 का, उसमें आता है इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश जो आएगी वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, मैथ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। पहला सेक्शन जो होगा, मॉर्निंग सेक्शन जो होगा, संडे को आप जाओगे 12 तारीख को, ठीक, 11-12 रखा गया है, मॉर्निंग जाओगे तो सुबह 10 से 12 जो होगा वो मैथ किया जाएगा, आपका मैथ होगा, फिर इवनिंग सेक्शन में आपका इंग्लिश टेस्ट किया जाता है जो 2 से 4 होता है, ठीक है, वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे, लेकिन मैथ जो होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये पैटर्न था, डिस्कस कर लिया, ठीक है, कोई क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पूरा डिटेल में दिया है, आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओके, टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 2 मिला के मेरिट बनती है, इसको क्वालिफाई आप करते हो, आप आते हो टीयर 3 में, जहाँ पे पेन और पेपर का ऑफलाइन मोड होगा, एक एसे, एक लेटर या प्रीसी आपको लिखने को मिलेगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। टीयर 3, अब टीयर 3 क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, टीयर 1 टीयर 2 का मार्क्स आपको ऐड किया जाएगा, टीयर 3 में आपको भेजा जाएगा, टीयर 3 सिर्फ आपको चेक किया जा रहा है, पेन और पेपर से आपको लिखाया जा रहा है, आपकी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ चेक किया जाता है कि आप सही हो कि नहीं, ठीक है, जैसे इंटरव्यू में आपको चेक किया जाता है कि आप जो क्वालिफाई करके आए हो क्या उस लायक हो कि नहीं, ठीक है। चलिए, इतना कुछ है डिस्कस करने को, मैंने कर दिया है फिलहाल, और मुझे नहीं लगता और कुछ आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अमूमन प्रेफरेंस के लिए मैंने एक वीडियो कर रखा है, आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दे दिया है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टीयर 1 आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो उसका पूरा वीडियो डिस्कशन मैंने किया है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कितने आते हैं, कितनी तैयारी करनी है, कहाँ से कितनी तैयारी करनी है, पूरा डिस्कशन मैंने किया है वर्ड टू वर्ड, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। किताबें एसएससी के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होंगी, पूरा वीडियो मैंने कर रखा, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल एसएससी नोटिफिकेशन सीजीएल 2017 के बारे में जो आउट हुआ है, इतना मुझे कुछ कहना था और यही कुछ ज़्यादा ज़रूरी बातें थी जो मैं यहाँ पर डिस्कस की हैं। फिलहाल इस वीडियो को अभी
साइन ऑफ करता हूँ, और फिर किसी वीडियो में जरूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।